राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद जो गुरुद्वारे में मिलता है ना, उसके लिए मैंने ये आधा कटोरे के लगभग घी ले लिया है। फिर इसमें आधा कटोरे छोटी वाली आटा डाल दिया है। फिर इसको 15 मिनट लगातार ऐसे ही भूनते रहेंगे। मंदी गैस पे मैंने इसको भुना है। तेज़ गैस पे करेंगे ना तो इसको जलने का खतरा रहता है। फिर जल जाता है ना तो स्वाद नहीं आता है हलवे में, वो ख़राब सा लगता है बहुत। इसलिए इसको धीरे धीरे ऐसे ही लगातार भूनते रहेंगे, बीच बीच में कोनों से छुड़ाते रहें, कोनों पर भी इसको लगने ना दें। मैंने इसको 15 मिनट लगातार अच्छे से घुमाया तो ये बन गया, अच्छे से भुन गया ना। फिर मैंने इसमें पानी डाला 300 ml के करीब। पानी डालने के बाद फिर मैंने इसको वापस से ऐसे लगातार घुमाते रहें ना, क्योंकि पानी डालने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो फिर इसमें गाँठे पड़ने का डर रहता है, और गाँठे पड़ जाती हैं हलवे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। प्लीज़ इसलिए इसको चलाते रहिएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ना, चलाते चलाते इसकी जो गाँठें हैं वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे ये बन जाएगा, गाँठें और नहीं पड़ेंगी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक आ जाएगी ना, लगभग इस तरह जैसे अभी बना हुआ है। इसमें फिर ये चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने यहाँ 4 चम्मच के करीब डाली है। इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है क्योंकि मुझे इलायची का जो खुशबू है ना खुद से अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल दिया क्योंकि कड़ा प्रसाद में अलग से देसी का घी का ही जो फ्लेवर होता है ना वही होता है, उससे ही उसकी असली पहचान होती है। बस ये बनकर तैयार है, आप इसको खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी मेरा वहाँ भी अकाउंट बना हुआ है। तो आप मुझे प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।